नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में इन दिनों रोजगार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर वार पलटवार हो रहा है। मनोहर सरकार सबसे अधिक नौकरियां देने का दावा कर रही है तो विपक्ष बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर वन बता रहा है। चर्चा सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों को लेकर करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों देश प्रदेश में सभी दल चुनावी मोड पर हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार तेज हो गया है। चूंकि रोजगार का मुद्दा इन दिनों लगातार छाया हुआ है, हरियाणा में सरकार का दावा है कि मनोहर सरकार में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई, तो वहीं विरोधी दल रोजगार न मिलने और बेरोजगारी दर बढ़ने के आरोप लगा रही है। सीएम मनोहर लाल का दावा है कि हमने पिछली सभी सरकारों से अधिक नौकरियां दी है, बिना पर्ची खर्ची के भेदभाव रहित पारदर्शी नौकरी दी गई है। 9 वर्षों के अंदर 9.5 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं, और न केवल 1,09,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड। वही कांग्रेस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर वन बता रही है। लोग इस सरकार से बड़े दुखी हो चुके। हरियाणा प्रदेश की जो जेजेपी बीजेपी सरकार है वो केवल भ्रष्टाचार के लिए गठबंधन करके सरकार बनाई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, जो दूध दही का हरियाणा था वो आज नशे का हरियाणा बना दिया इस सरकार ने। और युवाओं को जो आज पलायन और नशे की तरफ ये सरकार ने आज उनके भविष्य को गर्त में बचाने का काम किया खट्टर सरकार ने। युवाओं को प्रदेश में सरकारी रोजगार भी मिले और प्रदेश में रिकॉर्ड निवेश द्वारा हरियाणा नंबर एक पहुंचे निवेश दर में, और हरियाणा के अंदर युवाओं को स्वर्णिम भविष्य के अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पर, ये हमारे संकल्प है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी बेरोजगारी को लेकर सरकार को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार से सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल पूछ रही है। 2023 को ये कहा था कि 2023 में 50,000 नौकरी देंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 50,000 नौकरियों की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, हमको गिनती भी ना आती हो शायद वहां तक। मैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये कह रहा हूँ, 1,000 सरकारी नौकरी जो 2023 में आपने दी हो उसकी लिस्ट जारी कर दीजिए। बहरहाल सरकार सबसे अधिक सरकारी नौकरी दिए जाने को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, तो विपक्ष खाली पदों और बेरोजगारी को लेकर सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। लिहाजा रोजगार सीधा युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में देखना यह है कि रोजगार को लेकर सरकार के दावों और विपक्ष के आरोपों का चुनाव में क्या और कितना असर रहता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। वंदना पोपली बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलू हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुखबीर तंवर जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और राजेंद्र जादू वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत स्वागत भी है चर्चा में। चूंकि वंदना पोपली जी, आप लोग दावा करते नौकरियों को लेकर, सबसे अधिक नौकरियां देने का सिलसिला अभी भी जारी है, पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन आपके विरोधी दल ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी में नंबर वन कर दिया है हरियाणा सरकार ने, मनोहर सरकार ने हरियाणा को पिछले 9 से 9.5 सालों में, क्या कहेंगे? मुझे लगता है ज्योति, कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लगातार सामने रखते आए हैं और आपके सामने पहले भी लगातार इस बात को सामने रखा है कि कांग्रेस के समय में कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई थी और INLD के टाइम में कितनी सरकारी नौकरियां दी गई थी। मुझे लगता है कि आप और मैं भी कई बार इस विषय पे चर्चा पे बैठे हैं, अलग अलग विषयों पे चर्चा होती है, लेकिन इस विषय पे भी हम कई बार बैठ चुके हैं और इस बारे में बात हो चुकी है। मैं फिर से एक बार वो आंकड़े रखना चाहूंगी कि 1999 से लेकर 2005 तक 11,808 HSC की जो नौकरियां थी वो दी गई थी और HPSC की 3,317। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 2005 से 2014 तो तकरीबन 86,067 जो है वो नौकरियां दी गई थी, और अभी हम लोग बात करते हैं 1,08,518 नौकरियां जो है सरकारी नौकरियां हम दे चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अगर रोजगार के साधन बढ़ाने हो कि ताकि वो स्वरोजगार कर सके, अपने हिसाब से काम कर सके, खुद तो उनको रोजगार मिले ही, साथ के साथ
जो नीचे उनके काम करते हैं उनको रोजगार मिल सके, उस दिशा में भी मेरी सरकार ने बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं। इसमें चाहे कौशल के विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, बच्चों को ट्रेनिंग देने की बात हो, और उसके साथ साथ उनको लोन देने की बात हो ताकि वो अपना बिजनेस खुद खोल सकें और अपने नीचे जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी एम्प्लॉय कर सकें, उस डायरेक्शन में भी मेरी सरकार काम कर रही है। मैं देख रही थी मुख्यमंत्री जी ने जब टोटल नंबर बताया कि हमने कितने लोगों को रोजगार अभी तक उनको दिलवाया है जिसके लिए वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, तकरीबन 30 लाख ऐसे युवा हैं जिनको हमने सहायता की है कि वो रोजगार प्राप्त कर सके, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे उनको ट्रेनिंग दी गई हो, किसी भी माध्यम से 30 लाख लोगों को हमने रोजगार के साधन प्रोवाइड कराए। उसी समय कांग्रेस के नेता का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि देखिए खट्टर सरकार क्या कह रही है, एक तरफ तो कहते हैं कि 1,06,000 की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये 30 लाख की बात करते हैं। अरे भाई पूरा सुन तो लो, पूरा पढ़ तो लो, ये इतने ज्यादा बेसब्र है कि कैसे भी करके हम अटैक करें और कैसे भी करके अब चुनाव आ रहे हैं, जनता की आंखों में हम कैसे भी करके धूल झोंक दें, झूठी बातें सामने रख दें और किसी तरह से वापस सत्ता मिल जाए। मुझे लगता है जो हमारे हरियाणा की जनता है वो बहुत अच्छे से जानती है कि बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं पर नौकरियां मिल रही है तो वो हरियाणा की सरकार में मिल रही है, और किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार चला करता था डोंडी पिटा करती थी कि कोई रह तो नहीं गया कांग्रेसी, कि आ जाओ जी तुम्हारे लिए नौकरी बैठे हुए, नौकरी के लिए हम बैठे हुए हैं कि आ जाओ कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दे, परिवारों में नौकरियां दे दे। मुझे याद है ज्योति कि जब 2013 में जो एनएलडी है एनएलडी की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी गई थी कि जिसमें होने वाली एचपीसी नौकरियों में उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि कौन से नेता का कौन सा रिश्तेदार इसमें लगने वाला, और बड़ी हैरानी की बात है और बेशर्मी की बात है कि 2 दिन बाद वही लिस्ट पब्लिश हुई जिसमें सारे के सारे नेताओं के रिश्तेदार उसमें वहां पे नौकरी लगा करते थे। तो आज ये बेरोजगारी पर प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम किसी तरह से धूल झोंक दें आंखों में। कभी तो ये अगर मैं डेटास की बात करूं तो कभी इनका नंबर हो जाता है 32%, कभी हो जाता है 35%। मतलब आप बताइए ज्योति, क्या ये पॉसिबल है कि एक स्टेट के अंदर 1/3 पॉपुलेशन जो है उसके पास काम ही नहीं है करने को, वो स्टेट चल सकता है क्या? और हम कह रहे हैं जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत अच्छा है, हम नए उद्योग शुरू कर रहे हैं, नए काम शुरू कर रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं 1/3 पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। अगर आप सोचते हैं कि आप 1/3 पॉपुलेशन में आते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस समय अनएम्प्लॉयड जरूर है, उनके लिए काम होता होगा राजनीति, हमारे लिए तो सेवा है, तो हो सकता है आप अपने आप को गिनते हो, लेकिन आप भी 1/3 नहीं बचे, बहुत बुरा हाल हो रखा है आपका। आप गिन लीजिए गिनती के आपके कार्यकर्ता रह गए, उनमें अगर आप अपने आप को गिनना चाहते हैं तो बात अलग है। तो ये जो इनका नंबर है, कभी 2% बता देते हैं, कभी 33% बता देते हैं, और जब बार बार हमारे द्वारा बताया गया कि अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 8.5% या 8.5% के बीच में जो है बेरोजगारी दर है, और अब जाकर जो है मुझे लगता है कि जो पीपीपी के आंकड़े हैं उसके माध्यम से हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया कि वी आर एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड, जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है। लेकिन उसके बावजूद अभी एक मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, एक मुझे एक्चुअली पता नहीं चला कि कौन बोल रहे थे कि 60,000 नौकरियों की बात हो रही है और 60,000 नौकरियां मिलेंगी नहीं। मुझे लगता है सबको पता है विधानसभा सेशन में मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा था कि अभी जो ग्रुप सी की जॉब्स में है स्टे लगा हुआ था वो स्टे हट गया, स्टे हटने के बाद जॉब मिलेंगी, वो हम नौकरियां निकालने वाले हैं। तो स्टे के बीच में कैसे पॉसिबल हो सकता था, नौकरियां कैसे दी जा सकती थी? तो ये इस समय क्या कंडीशन है ज्योति, कि करना धरना कुछ है नहीं, हवा में महल बनाना है, कभी भ्रष्टाचार की बात करनी है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि अपने समय में उन्होंने कैसी सरकार चलाई थी और क्या बुरा हाल किया था, वो हम सबको अच्छे से मालूम है। अब कहीं पर कोई जवाब नहीं मिलता तो इस तरह का शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन एक एक बात का जवाब हम जरूर देंगे। बजरंग दास जी, सरकार जो नौकरियां दे रही है क्या वो कांग्रेस को नजर नहीं आ रही? वंदा जी कह रही सबसे ज्यादा दी हमने, आंकड़ों के साथ इन्होंने कहा कि दूसरा बेरोजगारी के जो आंकड़े आप लोग पेश कर रहे हैं, सरकार ये कहती है झूठे आंकड़े पेश करते हैं आप लोग, आंकड़े भी दिखा रही वंदा पुपली जी। ज्योति जी, आज बेरोजगारी के मामले में हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर है। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े ये कहते हैं कि 9% बेरोजगारी दर हरियाणा के अंदर है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी माना 8.5% दर मुख्यमंत्री खुद कहते हैं।
जबकि सीएमआई रिपोर्ट के मुताबिक 37.4 आती है। और दूसरी बात, जहां हमारे समय के अंदर आप आंकड़े उठाओगे 2.9, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने खुद माना है, मगर था 2.8 बेरोजगारी दर। आप देखोगे छोटी सी नौकरी निकाल लो आप, जहां 6,000 क्लर्क की नौकरी निकली और नौकरी पाने वाले 25 लाख बेरोजगार युवाओं ने फार्म भरा, जब इन्होंने नौकरियां ही दे दी, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो 25 लाख वो युवा कहां से आ गए? जब 8,000 पीएन की नौकरी निकलती है, 18,000 पीएन की जब नौकरी निकालते हैं, 18 लाख बेरोजगार युवा फार्म भरते हैं, बेरोजगारी का आलम तो इस बात का पता लग जाता है हरियाणा के अंदर कितनी बेरोजगारी है। आप देखिए बेरोजगारी के कारण तो आज युवा छोटी छोटी नौकरी के लिए डबल एमए की है बच्चा, एमए की है बच्चा, बीए की है बच्चा, पीएन तक की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये हरियाणा की स्थिति है। और आप तो दोती जी हमसे ज्यादा जानते हो, पूरा हरियाणा के अंदर आपके रिपोर्टर बैठे हैं और सबसे तेज चैनल है। पिछले दिनों आपके चैनल ने भी दिखाया था एक डबल एमए किया बच्चा आपके सामने, शायद आपको ध्यान भी होगा भी वो पीएन की नौकरी लगा। ऐसी स्थिति कई चैनल के ऊपर दिखाई गई है। और यहां तक कि मेरी बहन कह रही थी खर्ची पर्ची बंद कर दी, अरे खुले आम टेचियों में रुपए लिए जा रहे हैं और आप खर्ची पर्ची की बात करती हो, पर्ची की वैल्यू कहां छोड़ी आपने? कोई वैल्यू नहीं छोड़ी आप तो खुलेआम। यहां तो टैचियों का सिस्टम आज हरियाणा के अंदर चला हुआ है, ये तो हरियाणा की हालात है। आप देखिए यहां स्थिति है, आज हमने कहा भी ओपीएस हम लागू करेंगे, राजस्थान में हमने ओपीएस लागू किया, इन्होंने सरकार बनते सबसे पहले ओपीएस खत्म किया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का खुद का बयान आता है, मैं भाई हरेक को नौकरी नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता। ये मुख्यमंत्री खुद का बयान है, मैं रिकॉर्ड सुना देता हूं। जब मुख्यमंत्री खुद हाथ खड़े कर देते हैं तो फिर गुंजाइश कहां रहती है? फिर ये कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं। अच्छा आंकड़े ले लो आप, जहां आंकड़ा खेल खेल रहे हैं, ये हमारे समय में आज 4.5 लाख जो नौकरी पक्की नौकरियां होती थी, हमारे समय में 3,75,000 सरकारी पद के ऊपर लोग नौकरियां काम कर रहे थे, सिर्फ 75,000 पद खाली पड़े थे। आज आप देखोगे सरकारी एम्प्लाई 2.5 लाख सिर्फ सरकारी एम्प्लाई है, 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े। ये सिर्फ झूठा आंकड़ा खेल खेलते हैं, ये सीओडी की नौकरी देके थप थपते हैं। हरियाणा कौशल योजना टेम्परेरी नौकरियां देकर बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जिस प्रकार इन्होंने आपके सामने अग्निवीर के तहत जो नौकरी कच्ची नौकरी फौजों के अंदर 4 साल की नौकरी, देख कमाल की बात, 4 साल में फौज के अंदर जवान ट्रेंड नहीं होता। हमारे समय में फौजियों को पक्की नौकरी मिलती थी, हर प्रकार की फैसिलिटी बनती थी। ये तो क्या है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद घोषणा की थी 2014 के अंदर, आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम किया है मुख्यमंत्री जी का। मैं बयान सुन रहा था, बड़ा कमाल की बात कही, 30 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। हाँ एक बात तो हो सकती है, लोग का खोसने की बात तो हो सकती है, देने का बात नहीं। उन्होंने एक आंकड़ा रखा, 19 लाख लोगों को हमने उद्योग के माध्यम से नौकरी दी। अरे बता तो दो कौन से 19,000 गिना दो, और मैं बताता हूं लाखों आदमी का आपने रोजगार छीनने का काम किया। पानीपत के अंदर जो टेक्सटाइल हब है, कितने उद्योग पानीपत के अंदर बंद हुए हैं, भादरगढ़ के अंदर फुटगेयर की फैक्ट्रियां कितनी बंद हुई है, हरियाणा में कितनी कॉटन मिले आंकड़ा दे सकता हूं, कितनी कॉटन मिले बंद हुई है। यहां तक कि ग्राम स्तर के ऊपर 80% आपकी गलत नीतियों का उद्योग हरियाणा के अंदर बंद हुए हैं। क्यों? हरियाणा का उद्योग हिमाचल में कैसे गए, बद्दी में कैसे गए, हरियाणा की कॉटन मिल राजस्थान में क्यों गई? क्यों? वहां टैक्स कम है,
मार्केट फीस नहीं है या टैक्स भी ज्यादा, मार्केट फीस भी, और दूसरा उद्योग लगाने के लिए कोई जमीन ये देते नहीं पड़ोसी राज्य के लोग। ठीक है गर्ग साहब, पंजेटा जी को जोड़ने से पहले पोपली जी को कुछ कहना है, आपने जो आरोप लगाए उन्हें लेकर पोपली जी को कुछ कहना है, बोलिए वंदना पोपली जी। मुझे लगता है ज्योति इनकी अपनी बातों में विसंगति है, मैं उसकी तरफ जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगी, आरोपों का जवाब तो मैं इनको जरूर दूंगी, लेकिन इनकी अपनी बातों में विसंगति है। एक तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं हर एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता, यहाँ पे सरकारी नौकरी की सरकारी बात, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि टोटल 4.5 लाख पद हैं जिसमें 2.5 लाख भरे हुए हैं, 2 लाख खाली हैं, ये इनके हिसाब से। जब 4.5 लाख पद हैं तो जनसंख्या कितनी है और कितने लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए खोज में होंगे, तो ये विसंगति तो यहीं पर दिखती है। आप भी ये बता दीजिए कि अपने समय में आपने कितनी नौकरियां दी थी, उसका भी जवाब दे दीजिए, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री सरकारी नौकरी, यही तो बात है 3,75,000 हमारे समय में नौकरी थे, 3,75,000 मेरे मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन जो योग्य होगा उसको नौकरी देने का काम जरूर करेंगे। अपनी बात काम करते थे आपके हाथ का कलम निकालो, 2.5 लाख आपके सरकारी रोप नहीं है, खुद ही नहीं पता क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। आप सरकारी आंकड़े खोल लो, सरकारी आंकड़े बना लो, बात करता तो आपसे उम्मीद क्या करें, सरकार बोलती है आपसे क्या उम्मीद करेंगे, अपनी विसंगति देखिए। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती, बिल्कुल आप खुद इसको स्वीकार करें कि सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है, जितने मजा उतनी तो दी जाएगी। और मुझे इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए, एक बात आपने और कहा आपने रोजगार, बजरंग दास जी फिर मैं नहीं बोलने दूंगी आपको, मैं नहीं बोलने दूंगी आपको, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी, बजरंग दास जी आपकी बारी आएगी आपकी, तो इतना लंबा चौड़ा आपने बोला मैंने बिल्कुल नहीं टोका। अगर आपको वैसे कुछ हाइप करना है, कुछ शोर मचा कर आपको ये दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी डिबेट कराया, तो आप डिबेट नहीं कर रहे, शोर मचा रहे, शोर मचा रहे। मैं आपके बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी बजरंग दास जी, आपने एक से बढ़कर एक आरोप लगाए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अगर आप बताना चाहते हो कि मैं शोर कैसा मचाता हूँ, तो आपके नेता अच्छा मचाते हैं, आप अच्छा मचाते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, आपको शोर ही मचाना आता है, जनता के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप सुन लीजिए, आपने यहाँ पर कहा रोजगार के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पर कितने अप्लाई कर, सुन लीजिए बजरंग दास जी, बहुत सीरियस डिबेट है, जनता को सुनना चाहिए, जनता को सुनना चाहिए, कांग्रेसी कितने झूठे हैं ये भी तो सुनना चाहिए ना, उसकी तो बात सुन लीजिए। आपके हिसाब से रोजगार का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सरकारी नौकरी क्या अपना रोजगार खोलना, मुझे बताइए, सोने की चिड़िया हम कब कहलाते थे, सुन ले भैया होगा आपको, अरे सुन ले भैया बजरंग दास गर्ग, सुन लो देखिए, सोने की चिड़िया हम कब कहलाते थे, जब हर एक व्यक्ति के पास अपना अपना रोजगार था। हम देखिए ग्लोबलाइजेशन में सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट तो हो सकते हैं ना, जितने रोजगार अपने खोलेंगे उतना बेहतर होगा, खुद को भी काम मिलेगा, साथ वालों को भी काम मिलेगा, उस दिशा में मेरी सरकार काम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट जॉब्स भी मिल रही है, सरकारी जॉब्स भी मिल रही है, फैक्ट्रीज भी खुल रही है, इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है, तो तमाम तरीके से काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी पे शोर बेरोजगारी पे शोर बजरंग दास जी मचाते हैं, इनके नेता मचाते हैं, क्योंकि वो खुद बेरोजगार है, खुद बेरोजगार है, बेरोजगारी पे शोर मचा रहे हैं। ये तरीका नहीं दिया, नहीं आपको अगर टाइम नहीं दिया गया हो, आपको समय ना दिया गया हो, आप अपना उत्तर पूरा कर चुके थे, उसके बाद में डिबेट में आगे बढ़ी थी, अब आप लगातार साथ बोल रहे हैं, ये गलत तरीका है, मुझे आपको म्यूट करवाना होगा। आप सुनिए, आप तो सत्यवादी हरीश चंद्र हैं, आप तो बड़े सही आंकड़े, देखिए रोजगार को लेकर जब भी डिबेट करते हैं आप सत्ता पक्ष की बात करें या विरोधी दलों की बात करें, एक दूसरे के आंकड़े को आप लोग गलत बताते ही बताते हैं, एक दूसरे के आंकड़े को आप लोग गलत बताते हैं, सुनते हो पर इतना दिमाग, चलिए आप दोनों अभी रुकिए, रहनी चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। वंदना पोपली जी रुकिए, आप मान लिया कि राहुल गांधी को सुनते सुनते ऐसा हो जाता है, शुरुआत से पिछले कार्यकाल में भी दावा था सबसे अधिक सरकारी नौकरी का, और अब 9.5 साल में भी सबसे अधिक सरकारी नौकरी का, प्लस पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया गया, बिना किसी भी तरह के भेदभाव के हमने नौकरियां देंगे, ऐसे ये मैं दावा कर रहा हूं।
ज्योति जी, बात ऐसी है जी, मुख्यमंत्री कुछ भी दावा करें, जनता के समक्ष आज सच्चाई रखते हैं, सच्चाई पे बात करते हैं, क्योंकि सच्चाई को तो झुठलाया नहीं जा सकता। आंकड़े विधानसभा के झुठलाए नहीं जा सकते। विधानसभा की पटल के ऊपर सरकार ने जो आंकड़े दिए उसमें टोटल 4,66,000 पेंशन पोस्ट हैं, जिसमें से 2,09,000 पेंशन पोस्ट जो है वो खाली। डिपार्टमेंट वाइज बताया गया, उसमें अब डिटेल में अगर कहेंगे तो चले जाएंगे, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं मैडम से एक और सीधा मुख्यमंत्री से, मैडम जी से तो क्या बात करनी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े पेश किए, मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के ऊपर सवाल उठाए। मैं बड़ी विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे समय में 4,00,000 पक्के कर्मचारी थे, आपके समय के अंदर 2,09,000 खाली हैं, 4,66,000 में से, तो लगभग 2,50,000, 2,50,000 में से सरकार कहती है हमारे 90,000 से 1,00,000 जो है वो कौशल रोजगार के कच्चे कर्मचारी हैं, तो बच गए तकरीबन 1,50,000 के आसपास। तो सरकार के पास 1,50,000 पक्के कर्मचारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे समय में अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, सीधा लॉजिक में बात करते हैं ना, मुख्यमंत्री जी से अगर सवाल सीधा पूछा तो लॉजिक से बात करते हैं। हमारे समय में 2001 का जो सेंसस है उसके हिसाब से जो हरियाणा की जनसंख्या थी वो 2,11,44,564 थी। 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। आज जनसंख्या हरियाणा की जो सेंसस के हिसाब से जो ऑफिशियल है वो 3,09,00,000 के आसपास है, ऊपर ही, तो लगभग 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो जब 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई तो जॉब तो बढ़नी चाहिए ना ज्योति, पूरा हरियाणा आगे देख रहा है, सब समझ रहे हैं, तो जॉब बढ़नी चाहिए, जॉब घट तो सकती नहीं। ये अजीब चीज देखने को मिल रही है, 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ने के बाद 1,65,000 पक्के कर्मचारी है, वो भी ओपीएस पे नहीं है, हमारे तो 4,00,000 ओपीएस के ऊपर थे, सीधा सीधा जनसंख्या के हिसाब। 315% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है हरियाणा में 2014। ये क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं कौशल रोजगार, अच्छी भर्तियां, अस्थाई भर्तियां जो हरियाणा सरकार के अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये एक निगम है जो इनका कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड किया हुआ है, जो कोर्ट में भी बेचारे बच्चे जाएंगे उनका भविष्य कुछ नहीं है उसके बाद। तो INLD ने ये सब देखते हुए एक जॉब कैलेंडर इशू किया है जिसमें हम, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपकी पहले तो ये 2,09,000 एक साल के अंदर अंदर, पहली मार्च 2025 की डेट दे रहे हैं और आखिरी डेट है अक्टूबर 2025, ये सारे के सारे जो रिक्त पद हैं इनको भरने का काम करेंगे, जिनमें लगभग ग्रुप डी के 40 से 50,000, ग्रुप सी के 40 से 50,000, ऐसे ग्रुप बी ग्रुप ए के हम करेंगे, पेपर लीक के ऊपर कानून बनाने का काम करेंगे। और जितने अभी तक इस सरकार के 80,000 के लगभग जो कच्चे कर्मचारी हैं, जितने भी कौशल रोजगार है कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पक्का करने का काम करेंगे। सभी जो स्कूल और कॉलेजेस में और खासकर एक हेल्थ सेक्टर जो हमारा है उसमें जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें हम जो खाली उनको भरने का काम करेंगे। उसके बाद जो बच्चे रोजगार के बेस से वंचित रह गए उनको 21,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैडम पकौड़े तलना और ये क्या नाले से गैस बनाना, टैक्सी चलाना, मैडम इनको रोजगार नहीं कहते हम, स्थायी सरकारी और उसके ऊपर पक्के कर्मचारी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा अच्छा है। थोड़ा उसके ऊपर भी आएंगे क्योंकि थोड़ा मैं एक और इशू के ऊपर बात करना चाह रहा था, लेकिन मैडम आपको हरियाणा की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है, आपको स्थिति के ऊपर इसीलिए आपका ध्यान केंद्रित करना मैं चाहता हूँ, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चों में जो सुसाइड के केसेस है मैडम वो बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं, आपका अपना NCERB का डेटा कह रहा है कि बच्चों के अंदर सुसाइड के केसेस, ड्रग ओवरडोज के, ड्रग एडिक्शन के केसेस, हर 5वें दिन एक बच्चा हरियाणा में ड्रग ओवरडोज से मर रहा है, वो पंजाब से भी ज्यादा है। सुसाइड रेट हरियाणा के जो नेशनल जो है वो 2.5% देश की नेशनल एवरेज से ज्यादा है। पिछले 2 साल के अंदर मैडम तकरीबन मैं आपको बताऊं 35,950 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, ये पूरे देश का आंकड़ा है, ये हरियाणा का आंकड़ा नहीं है मेरा, लेकिन इसका हरियाणा का मैं पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूं। जो बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कोई क्राइम की तरफ जा रहा है, कोई बच्चे अपनी जमीन बेच के विवश है अपनी जमीन बेचने में, कोई जमींदार नहीं चाहता अपनी जमीन बेचे, वो एक भी किला बेचे, वो बेच बेच के अपनी जमीनें आज बच्चे जो है
जॉब के अवसर जॉब ढूंढने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, आपकी तरह नहीं कि इजराइल गाजा के अंदर जहाँ कब्रिस्तान बना दिया और वहाँ उन कब्रों की उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए आप जहाँ पे आप हरियाणा के युवाओं को भेजने का काम कर रहे हैं, कुछ तो सोच तो अच्छी रखिए पहले, कम से कम भेजना है उनको कोई कैनेडा में भेजिए जहाँ की आपने नीति खराब कर दी, कैनेडा ने भी स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा दिया, बच्चे एक लिमिट तक जा पाएंगे, या कि ऑस्ट्रेलिया का भेजिए, कहीं पे करेंसी अच्छी है जहाँ इंग्लैंड भेजिए। नहीं मैं खत्म कर रहा हूँ, एक मैडम ईपीएफओ है, सो ये भी गवर्नमेंट का है जिसके ऊपर ये सब रिलाय करते हैं एनएसओ वगैरह, इसका एक डेटा आया था पीछे जिसमें जॉब क्रिएशन जो है वो 16.7% घटी है। मैं आपको आईएमएफ का देता हूँ जिसको मुझे नहीं समझ में आता, बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं हमसे तो जिसने कार में बैठे हैं, उनको एआई बड़ी कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनको पता ही नहीं ड्रॉबैक्स क्या है, कोई रिपोर्ट्स पढ़ते नहीं सुनते नहीं। जो आईएमएफ है जिसने अभी देश के ऊपर 2,05,000 करोड़ का जो कर्जे के बारे में बात करी थी, उन्होंने इस साल पिछले साल की बात नहीं कर रहा, इस साल 40% और जॉब जो है वो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो खा जाएगा। उसके बाद अगर मैम बात करें तो बॉन्ड पॉलिसी की बात कर लीजिए, एजुकेशन के ऊपर जो इन्होंने जीएसटी लगाना है वो 18% इन्होंने कर रखा है जबकि एजुकेशन के ऊपर भी होना चाहिए था, 1,80,000 से जिनकी आय कम है उनको मुक्त एजुकेशन देनी चाहिए थी मगर ये 500 रुपए। आपने पहले उत्तर में कई मुद्दों को लेकर सरकार को आपने घेरा के, पोपली जी जवाब भी देना चाहेंगे लेकिन उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ लेती हूँ। सुखबीर तंवर जी, क्योंकि आप लोग भी इलेक्शन की तैयारी में जुटे हैं, अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा आप लोगों ने भी उठाया है, अनुराग ढांडा सवाल कर रहे हैं कि एक साल में कितनी सरकारी नौकरी थी। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से सारे साथियों ने जो चर्चा में भाग लिया और जिस प्रकार की बात कही, मैं कहना ये चाहता हूँ क्योंकि आपने अनुराग ढांडा जी का नाम लिया, जिस प्रकार से एक साल में अगर 1,000 नौकरियों की लिस्ट दे दें तो अनुराग ढांडा जी और आम आदमी पार्टी हरियाणा बिल्कुल क्षमा याचना करेगी इस बात से, और अगर मुख्यमंत्री जी एक साल में एक मात्र 1,000 नौकरियों की लिस्ट नहीं दे पाती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा प्रदेश से और युवाओं से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूँ, आज प्रदेश में करीब 25 लाख युवा बेरोजगार, इसके अलावा जो 75% का जुमला हरियाणा सरकार लेके आई जिस तरह से माननीय न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया जो भी त्रुटियां उसमें रही, इसके अलावा जिस प्रकार से आप जानते हैं हरियाणा प्रदेश जानता है जो भी हरियाणा सरकार ने भर्तियां करी, इन्होंने एडीओ की भर्ती करी 600 और उसमें से लिए मतलब 600 की भर्ती निकाली और इन्होंने नियुक्ति करी 50 में से 23 हरियाणा के 16 बाहर के, एसबीओ इलेक्ट्रिकल की पोस्ट थी 99 में से 70 बाहर के, लेक्चरर थे 157 में से 103 बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर थे 18 में से 11 बाहर के, ये तो इनका हरियाणा सरकार का विषय है। इसके अलावा ज्योति जी, जिस प्रकार से बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का दावा किया था और ये 2 लाख प्रतिवर्ष भी नहीं दे पाए। इसके अलावा बात ये भी थी कि अग्निवीर का क्या, आजादी से पहले और आजादी के बाद अग्निवीर में 70,000 से 80,000 रोजगार, ये आंकड़े हैं भारतीय सेना में जाते थे, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से जिसमें के पहले इस देश के किसान का मजदूर का बच्चा भारतीय सेना में जाकर देश की रक्षा करने के लिए जो 70,000 से 80,000 थी, इन्होंने मात्र 10-12,000 तो समेट दिया। इसके अलावा विषय ये है कि 2 वर्ष में अगर हम पंजाब सरकार की बात करें, 42,000 पक्की नौकरी दी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम जो भी बात कहेंगे जिम्मेदारी से कहेंगे, और जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो रोजगार दिए और अन्य जन सुविधाएं करी, आखिर हरियाणा क्यों उन जन सुविधाओं को और उन रोजगार को क्यों ना अपनाए, निश्चित तौर पे हरियाणा सरकार रोजगार के मामले में और केंद्र सरकार भी पूर्णतः विफल हो चुकी है, और इन विफलताओं के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा
कि आज दिल्ली और पंजाब में जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है उसके आधार पर आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन, हरियाणा प्रदेश का युवा, हरियाणा प्रदेश में जो महिला सुरक्षा का विषय है वो क्यों महरूम रहे। और मुझे कहने में वो विषय नहीं है, जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि बैसाखी से पहले पहले जो किसानों को मुआवजे की बात थी वो पूरी हुई, आखिर सभी वर्गों को आम आदमी की तर्ज पे सहूलियत क्यों ना मिले। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र के स्तर पे और प्रदेश के स्तर पे विफल हो चुकी है। हम जनता जनार्दन की आवाज बन के हर अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे और 28 जनवरी को जो बदलाव यात्रा है माननीय अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा प्रदेश के जींद में आ रहे हैं और उससे पहले हम गए हैं और अभी 3-4 दिन का समय शेष है, एक ऐतिहासिक बदलाव रैली होगी जिसके लिए डिबेट में आगे बढ़ते हैं। जादुन जी पूर्णतः अपना मन बना चुकी है। देखिए नौकरियां या रोजगार एक बड़ा मुद्दा के और बहुत बार मैं भी इसे लेकर डिबेट करती हूँ क्योंकि लाखों युवाओं से जुड़ा मुद्दा के, अब जबकि चुनाव भी करीब आने वाले हैं, रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार को कहां पाते हैं आप? जादुन साहब आवाज मिल रही है क्या? हेलो जी, रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार को कैसे देखते हैं आप? नौकरियों को लेकर जो दावा कि सबसे अधिक दी पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म कर दिया, कोई भेदभाव हमने नहीं रखा। देखिए सरकार दावा करती रही है कि हमने, पहले तो ये दावा एक आंकड़ा सरकार की तरफ से आया है कि 1,10,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। तो अभी कोई मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हमने 9 साल में 30 लाख नौकरियां दी। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 30 लाख नौकरियां कहां दी, और एक बयान ये भी आया था कि 6 जनवरी 2023 को बयान दिया 30,000 ग्रुप डी और सी की भर्तियां करेंगे। तो अब 1 साल हो चुका है उस बयान को, तो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि वो 30,000 नौकरियां कहां दी गई। वो विपक्ष की मांग ये है कि आप 1,000 नौकरियों की सूची दे दो। मैं समझता हूं कि अभी चुनाव की नजदीकियों में हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत एक तरह से हॉटअप हो गया है, बहुत सिमरिंग इश्यू हो गया है, और अब सरकार को अपने चुनाव मैदान में जाने से पहले इन सवालों का एक जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि रोजगार पर जितनी नौकरियां उन्होंने दी हैं, जितने पद खाली हैं और जितने कच्चे कर्मचारी हैं, और सेंसस की रेशियो में क्या बेरोजगारी है और रोजगार कितने मिलने चाहिए, इस पर एक व्हाइट पेपर जो है उसको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को, ताकि सारे जवाब जो है विपक्ष जिस तरह के सवाल उठा रहा है उनका जवाब जाए। चूंकि ये सब सवाल ये विपक्ष तक सीमित नहीं रहते, जब विपक्ष उठाता है तो पब्लिक डोमेन में भी जाते हैं, तो सरकार को इसका कोई जवाब देना चाहिए। एक बात और है कि हरियाणा में जो एक इशू अभी नहीं आया, एक कबूतरबाजी के बहुत केस हो रहे हैं, तो ये बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि युवा जो है विदेश में रोजगार पाना चाहता है और वो जिस तरह के इलीगल एजेंट्स हैं उनके गिरफ्त में आ रहा है और तमाम बड़ी बड़ी लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो रहा है। और हरियाणा में इस तरह के सैकड़ों केस दर्ज हो चुके हैं और गृह मंत्री ने कई एसआईटी गठित की जा रही है उनकी जांच के लिए, बहुत सारे मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई है, केस भी बरामद हुआ है, लेकिन तब भी इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही। तो ये जो अपराध है कबूतरबाजी का, उसको बेरोजगारी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये बेरोजगारी का ही परिणाम है कि युवा जो है यार रोजगार न मिलने पर और कोई संतोषजनक रोजगार न मिलने पर वो विदेश जाना चाहता है और इलीगल एजेंटों के हाथ ठगी का शिकार हो रहा है। तो सरकार को ये देखना चाहिए, इसका पूरा अध्ययन करवाया जाना चाहिए कि आखिर ये कबूतरबाजी के केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं और बेरोजगारी की रफ्तार क्यों नहीं थम रही है। सरकार तो कहती है कि हमने परिवार पहचान पत्र के जरिए जो बेरोजगारी जो आंकड़ा निकाला है वो 6% है, लेकिन और अलग अलग तरह की एजेंसियों की रिपोर्ट आती रहती है, कोई 25% कोई 35% बताता है, और हरियाणा में देश में हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर वन बताया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को भी कुछ गंभीरता का परिचय देके और इस पर कोई श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और ये कबूतरबाजी का पहलू है, इसका भी अध्ययन होना चाहिए जी। पंजेटा जी को कुछ कहना था, आएंगे आपके पास। पोपली जी,
एक साल में कितनी नौकरियां दी गई, विपक्ष ये सवाल कर रहे हैं, साल 2023 में कितनी सरकारी नौकरी दी, इसे लेकर कोई लिस्ट कोई नंबर जारी किया जाए। ज्योति मेरे से प्रश्न है। जी बिल्कुल, आपसे आवाज मिल रही है क्या? देखिए, अगर हम इनको 9 साल का देते हैं तो फिर इनको, हाँ मुझे आवाज आ रही है, मैं अभी सभी की बात को सुन पा रही थी और मैंने जादून जी की बात को भी बहुत सीरियसली सुना। उन्होंने दो विषय रखे, उन्होंने एक कबूतरबाजी पर कहा और एक दूसरा उन्होंने कहा था कि श्वेत पत्र की बात। जादून जी, मैं ये मानती हूँ कि विपक्ष को अधिकार है, वो श्वेत पत्र भी मांग सकता है, जानकारी भी मांग सकता है, लेकिन उसके लिए विधानसभा में टिकना पड़ता है। विधानसभा से तो ये वॉकआउट कर जाते हैं, वो हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार की स्थिति रहती है, तो ये भी देखना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक कबूतरबाजी है, उसको सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ना, मैं मानती हूँ कि अगर बाकी स्टेट्स में कंडीशन बहुत बेहतर है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं सरकार है, तो वहां पर भी उनको काम मिल सकता है, लेकिन कबूतरबाजी को सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ना मुझे लगता है कि क्योंकि विदेशों में वो बेहतर स्थिति मानते हैं, इसलिए वहां पर जाने का एक हो सकता है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि अनऑथराइज या एजेंटों के हाथ जाकर अनऑथराइज तरीके से विदेश में जाना घातक हो सकता है, और सभी युवाओं से मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की प्रक्रिया में किसी के भी कहने पर नहीं आए। दूसरी बात, यहाँ पर अभी पंजेटा जी ने बहुत सारे प्रश्न उठा दिए, उन्होंने कुछ पकोड़े तलने की बात कह दी थी, ये बात अलग है कि पकोड़े तलना भी एक व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय हर एक तरह का हो सकता है, जिसमें कम कमाई भी हो ज्यादा कमाई भी हो, और लेकिन कम से कम मेरी सरकार में पकोड़े तलने को व्यवसाय की अगर बात की जाती है तो कम से कम जाड़ घिसाई की बात नहीं होती मेरी सरकार में, वो आपके समय में हुआ करती थी, और आपके समय में क्या हाल होता था, किस तरह से इंडस्ट्रीज निकल निकल कर भागी थी हरियाणा से, तो वो भी याद रखना चाहिए। आप हवा में तो बहुत सारी चीजें ले आते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी जानना चाहिए। दूसरा, आपने यहाँ पर कहा कि बच्चे बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज की वजह से सुसाइड होना, उसको आपको अनएम्प्लॉयमेंट से फिर से जोड़ रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगी, मेरे पास भी कुछ डेटा है, मेरा डेटा ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोचिंग सेंटर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब की बार नौकरी चाहिए तो किसी नेता के चारों तरफ घूमने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे तो आराम से नौकरी मिल जाएगी। एक और विषय जो है, आपने यहाँ पर कहा था कि बच्चों की जॉब की बात कर रहे थे, तो प्राइवेट सेक्टर में मैं ये मानती हूँ कि आज के हमारे बच्चे जितने अच्छे से जॉब कर रहे हैं, उनको सरकारी सेक्टर से भी अच्छी जॉब मिल रही है। एक नया ट्रेंड है कि या तो खुद का बिजनेस खोलिए, प्राइवेट जॉब में जाइए, लेकिन आपकी तरह नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरियों तक चिपकाए रखा, वो सही नहीं है। इसराइल को लेकर भी आपने कमेंट किया था, मुझे इतना मालूम है सिर्फ गाजा पट्टी के आसपास युद्ध हो रहा है, पूरे इसराइल में नहीं हो रहा है, और वहां पर जाकर अगर हमारे को कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के हमें मिलते हैं कि इस तरह के सुविधाएं हैं कि बच्चे जा सके वहां पे जॉब कर सके, तो बच्चे जा रहे हैं वहां पर पूरे उत्साह के साथ जा रहे हैं। कम से कम ये तो नहीं है कि अनऑथराइज ढंग से जा रहे हैं, सरकार उनको भेज रही है और उनको लड़ाई वाले एरिया में नहीं भेज रही है, उससे दूसरे एरिया में भेज रही है, सिर्फ गाजा पट्टी के आसपास लड़ाई हो रही है। और एक चीज और बताना चाहूंगी आपको रजत पंजेटा जी, ये तो चलिए इसराइल में यहाँ पर लड़ाई हो रही है, मुझे याद है यूक्रेन में जिस प्रकार से लड़ाई हुई थी, तो उसमें हमारे पढ़ते हुए बच्चों को हमने कैसे निकाला था, वो पूरे विश्व ने देखा था, पाकिस्तान के बच्चे भी इंडिया का झंडा निकालकर लगाकर बाहर निकले थे, तो हमारे बच्चों की सुरक्षा की चिंता हमें बहुत ज्यादा है, हम हर एक चीज को देखकर ही आगे स्टेप बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे अग्निवीर को भी लेकर एक प्रश्न उठाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो अग्निवीर के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अग्निवीर में हमने इस चीज को बार बार क्लियर किया है कि जब तक बच्चा जॉब की कंडीशन में आता है, उससे पहले उसको एजुकेशन देना, उसके पास इतना फंड आ जाए कि वो आगे चल सकता है, और हमारी जो ट्रेंड हमारे पास अगर बच्चे मिल जाते हैं और हम 3 गुना ज्यादा बच्चे ले रहे हैं, तो उसमें आपको इतराज जरूर हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि आप 3 गुना बच्चे क्यों ले रहे हो, आप तो अगर आपको 10 लेने हैं तो आप 30 क्यों ले रहे हो, और 20 को ट्रेंड क्यों कर रहे हो, और 10 को आप रख रहे हो, तो उसमें आपको एतराज हो सकता है, लेकिन हरियाणा के बच्चे इसको अच्छे से समझते हैं। एक बात सुन लीजिए राजन पंजेटा जी, आप तो बहुत सही बोल रहे थे, आपको ये लगता है कि आप सही बोल रहे थे, नहीं ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, आप बीच में इस तरह से इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, आप सही बोल रहे थे क्या, किसने कह दिया आप सही बोल रहे थे, आप कहाँ से डेटा उठा कर आते, कोई नया गूगल आपने ढूंढ रखा है जिसका नाम INLD है, वहां से आप डेटा उठाकर आते हैं, हर बार का ये हाल है, हर बार आपको डेटा जो है
आपको झूठा ठहराया गया है कई बार चैनल पे, कितनी बार मात खाई है आपने, हर बार अलग डेटा उठा कर ले आते हैं, लेकिन आपको जवाब सुनना चाहिए। मैं आगे ले जाते हैं डिबेट को, ठीक है पॉपुलर जी, अगले उत्तर में अगर कुछ बचा है तो मैं जो अभी अगर रहते हैं तो अगली बार बात करिए। यहाँ पर बजरंग दास जी ने अटैची की बात करी थी, अरे पकड़ने का काम उन्हीं ने किया है, हमारे कोई नेता जो है कोर्ट के चक्कर नहीं काट रहे हैं। और रजत पंजेटा जी अलमारी, ये पंजेटा जी नहीं बोल रहे हैं, मैं आपको बन्ना पोपली जी, आप सुनिए तो, ये सुखबीर तंवर बात कर रहे हैं अलमारी, आपके उत्तर में सुखबीर तंवर बोल रहे हैं, पंजेटा जी मेरे बारे में हर बार ये बोलते हैं, म्यूट आप मुझे कर देंगी क्या? मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप वो सुन नहीं रही हैं। देखिए रजत पंजेटा जी ने जो अन्याय, उनकी पार्टी ने जो अन्याय किया था अलमारी फाड़कर, जो योग्य बच्चों के नाम हटाकर दूसरे बच्चों के नाम हटाए थे, वो भी उनको जानना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको और कहना चाहूंगी कि मेरे पास पूरी लिस्ट है, ये कह रहे थे ना भर्तियां रद्द हुई, भर्तियां रद्द कहां हुई ये सुनिए, 2 मई 2007 में केनाल पटवारी के 786 पद थे, वो उसकी भर्ती रद्द हो गई, 2011 में लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती रद्द हुई, 2013 में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती रद्द हुई। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे अगले उत्तर में, आप अपनी बात कहिएगा, अभी आप रुकिए, आके उनकी भर्ती रद्द हुई, अभी आप रुकिए, मुझे टाइम के हिसाब से डिबेट को आगे ले जाना होगा। नवीन जैन उनको भी नौकरी मिल गई, ठीक है, उनको भी पीटीआई की नौकरी। पंजेटा जी देखिए, तो मैरिट वाली बात तो बार बार उठती है, व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है, खासतौर पर आपकी सरकार को घेरा जाता है, ये तो कहा जाता है कि आप लोग तो अब भी ये कह रहे हैं कि हम मेरिट वाला सिस्टम खत्म कर देंगे अगर सरकार में आए। नहीं नहीं ज्योति जी, ये कौन कह रहा है कि मेरिट वाला, हमने तो कहा कि हर योग्य बच्चे को हम जो है वो सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, और वो मेरिट के थ्रू ही करेंगे। और अगर हमारी जो 3206 वाली मेरिट पे भर्ती नहीं थी तो भर्ती रद्द क्यों नहीं हुई, वो तो माननीय हाईकोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक वो चैलेंज हुई, अगर वो भर्ती गलत थी तो उसे रद्द हो जाना चाहिए था, वो रद्द क्यों नहीं हुई, उसका जवाब नहीं देते ना। मतलब कितना बेशर्मी से आप बच्चों पे डालना चाहते हैं, आपकी गलती उस बच्चों पे आ जाए। मैडम प्लीज, नहीं गलती आपकी और भुगते कौन, गलती आपकी और भुगते बच्चे। बीच में ज्योति जी, अभी मैंने बोलना शुरू नहीं किया, प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट, वंदना जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, कोई और प्रवक्ता बोला होगा, आपको शायद ध्यान नहीं, आप थोड़ा मिसजज कर गए। ऐसा है, ये वो भर्ती अगर गलत थी तो वो भर्ती रद्द कर देता माननीय सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट, नहीं हुई ना। उसके बाद ही कहते हैं हर बारी अलमारी फाड़कर, ये भाजपा के प्रवक्ता के अलमारी के बीच में बैठे हुए थे क्या, हर बारी अलमारी फाड़कर, किसी भी कहीं भी पूरी जजमेंट में अलमारी काटने फाड़ने का कुछ है ही नहीं, लेकिन मसाला बनाने के लिए पता नहीं कहाँ से सीख के आ जाते, जजमेंट पढ़ के आए नहीं, अलमारी काटने की तो मैडम कहीं बात ही नहीं हुई। दूसरा, मैडम ये बात कर रही थी हमारी सरकार में, मैडम ये आईएमपी मानेसर जो डेवलप हुआ ना, और ये जो पूरा केएमपी हुआ, ये हमारी सोच थी, जो प्रदेश का खजाना भरा हुआ था ना वो हमारी सरकार थी, सरकार आपके द्वारा जैसे प्रोग्राम थे वो हमारी सरकार थी, ओपीएस लागू था वो हमारी सरकार थी, 4 लाख पक्के कर्मचारी थे वो हमारी सरकार थी। मेरे किसी भी प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब आते हैं आपके ऊपर, मैडम 2017 में 109 पोस्ट थी एससीएस जुडिशियल की, जो जज चुने जाते हैं, वो आपका पेपर लीक हुआ, उसकी 109 पोस्ट थी। उसके बाद 383 वेटनरी सर्जन की थी, उसमें आपने पेपर आपका टेंपर हुआ, ये तो आपके मुख्यमंत्री का भी बयान है, बोलो तो अखबार खोल के दिखा दूं। दूसरा, आप आते हैं पेपर लीक पे जवाब, अगर आप बार बार पोस्ट गिनाएंगे तो पेपर लीक का मैं आपको जवाब दे देता हूं, 1 करोड़ में पेपर लीक, आप विषय बदल रहे हैं, आप विषय बदल रहे हैं, पेपर लीक पे जा रहे हैं तो उसका जवाब मैं आपको दे देती हूं ना, सुन लीजिए, पेपर लीक का जवाब मैं दे देती हूं, दफ्तर में मिला पेपर लीक का जवाब मैं दे देती हूँ, दस यहाँ भी पेपर गिरा रहे हैं, नहीं मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, वंदना पोपली जी को कह रही हूँ, पोपली जी मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप सुने, लेकिन सरकार के द्वारा मदद नहीं मिलने पे ये कोशिशें हुई है, हमने उसको भी रोकने का काम किया। वंदना पोपली जी, नहीं ये गलत तरीका है आपके बीच में, हाँ सुखबीर तंवर जी बोले थे उनको मैंने रोका, आप सुनिए पंजेटा जी ने आप बहुत धैर्य से आपको सुना था, इनकी बात जल्दी पूरी कीजिए, आपकी बात ज्योति जी मैं ज्यादा समय ले लूंगा, 2.5-3 मिनट का समय लूंगा। देखिए इनके टोटल कॉलेजेस है मैडम 171, उसमें से प्रिंसिपल कितनों में नहीं है, 127 में प्रिंसिपल नहीं है, 3442 ऑफिशियली गवर्नमेंट मान चुकी है कि हम परमानेंटली पोस्ट खत्म कर चुके हैं, पेपर लीक क्वेश्चन रिपीट तो इनके कितने क्वेश्चन हुए, 21 तक में हो गया, पिछला आपको पता है वो ग्रुप 56-57 का था, उसके अंदर अगले दिन ही सेम क्वेश्चन आ गए थे, 28,000 बच्चों को उसमें बेनिफिट हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुए, उसका डोमिसाइल का एज जो थी 15 से
10 की 10 से 5 की और इन्होंने कई भर्तियों में केवल 3 साल कर दी। कितने स्कूलों को उन्होंने वो एक एनजीओ था प्रथम करके उसमें पहले मर्ज कर दिया था और अब कितने सारे स्कूल 5 लाख का इनके ऊपर फाइन भी लग चुका है उसके ऊपर 75% से जुमले का क्या हुआ। ये जो गेस्ट टीचर थे आपने वो पीटे, इतने सारे पीजीटी वाले म्यूजिक वाले सारे सबसे आपने लाठीचार्ज किया, इतने बेचारे लेक्चरार जो है आज भी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद में मैडम आपने कहा कि हम इसराइल भेज रहे हैं, वहां पे युद्ध है, वहां पे युद्ध नहीं है। मैडम आपको हरियाणा के होनहार बच्चों को इसराइल पता है क्यों भेजना पड़ रहा है? मैं आपको बताता हूँ क्यों भेजना पड़ रहा है। अभी ना वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ था, हम तो सोच रहे थे पिछले 10 साल के अंदर कोई वाइब्रेंट हरियाणा समिट होगा जहां कुछ हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी असली में, बातों में नहीं। मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट वाइब्रेंट गुजरात में जो आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी गए थे, रिलायंस इंडस्ट्री वहां जामनगर के अंदर ग्रीन एनर्जी का प्लांट लगा रही है, 5G टेलीकॉम की इन्वेस्टमेंट कर रही है, रिटेल में कर रही है, और उसके बाद अडानी ग्रुप 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में गुजरात में करने जा रहा है, टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहा है धौरा के अंदर, बैटरी की फैक्ट्री लगा रहा है जो 20 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी वो सानंद के अंदर लगाने का काम कर रहा है, उसके बाद डिफेंस बिल्डिंग का काम कर रहा है धौलरा के अंदर, उसके बाद आर्सेनर मित्तल ग्रुप है मैडम वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग लगाएगा हजारिया के अंदर, MOU साइन हो चुका है गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद वहां कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है 4 बायोगैस। चलिए मुझे अंतिम कमेंट पर आ रहे हैं, अभी वाइंड अप क्यों डिबेट को ले जाना है। ज्योति जी एक मिनट, ज्योति जी मैं खत्म कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला था मैं 2.5 मिनट में सब खत्म करूंगा, 1.5 मिनट हुआ, 1 मिनट और होगा। ऐसा ग्रुप कर रहा है 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जामनगर के अंदर, वेल्सपन कर रहा है 40,000 करोड़ की ग्रीन हाइड्रोजन को और ग्रीन अमोनिया बनाने की, डीपी वर्ल्ड कर रहा है 25,000 करोड़ की, सुजुकी ये बार बार कहते हैं सुजुकी हरियाणा में, हरियाणा में, हरियाणा में रखेंगे, मैडम 35,000 करोड़ का सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहा है, 32,000 करोड़ का चौथी लाइन एडअप कर रहा है, ईवी की प्रोडक्शन 75,000 से 1 मिलियन यूनिट कर रहा है, उसके ऊपर 4 जो इनके बायोगैस प्लांट है उनके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। आप मुझे ये बताइए मतलब आप इसराइल इसराइल भेजेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, मैं जवाब दे देती हूँ। हरियाणा का वोटर इसलिए आपको वोट करे बीजेपी को ताकि सारा का सारा कुछ आपने वहां कर दे, और ये सिर्फ हरियाणा के साथ नहीं हो रहा, मैं जवाब देश के साथ हो रहा है। चलिए मैं आखिरी कमेंट की ओर आ रही हूँ अभी पंडिता जी, माफी के साथ सर, नहीं नहीं आगे टाइम भी अलाउ कर रहे हैं। बजरंग दास जी एक तो देखिए आप लोगों पर तो आरोप ही रहते हैं कि नेता मंत्री अपने अपने जानकारों को रिश्तेदारों को करीबियों को नौकरी देते रहे, ये एलिगेशन लगते हैं। साथ ही ये जो अदालती पेपर रद्द करती थी 11 पेपर का आंकड़ा सरकार की ओर से दिया जाता है कि कम से कम मनोहर सरकार में कोई पेपर कोई परीक्षा अदालत ने रद्द नहीं की है। ज्योति जी इनके राज के अंदर तो 37 पेपर तक तो लीक हुए और ये कहते हैं मैं नौकरियां दे दी, मगर नौकरियां अगर हरियाणा में दी है तो बेरोजगारी कहां से आगी? इन्होंने हैपनिंग हरियाणा गुड़गावा के अंदर बनाया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च दिए, कोई भी उद्योग हरियाणा के अंदर आया? बिल्कुल नहीं आया। जहां तक कि आप देखोगे सारी सरकारी स्कूलों के अंदर 50% से ज्यादा टीचरों के पद खाली पड़े हैं, सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, स्टाफ की कमी है, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर आप देख लो डॉक्टरों की कमी 50% से ज्यादा स्टाफ की कमी है। अगर ये कहते हैं उन्हें नौकरी दे दी तो सरकारी पद खाली कैसे पड़े हैं? इन्होंने आपके सामने स्थिति है, इन्होंने कहा था 75% हरियाणा के अंदर उद्योगों के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे, 70 आदमी को ये रोजगार नहीं दे पाए, दिल्ला पिल्ला कानून बना दिया इन्होंने और वो आपके सामने कोर्ट में अदालत में जाके वो नियम का कानून उसका स्टे मिल गया। ऐसी स्थिति की कानून की है, ऐसी स्थिति लोगों को रोजगार देने की है। इन्होंने रोजगार देने की बजाय जो तेजी हरियाणा के अंदर रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आज ये कहते भी जहां तक कि मुख्यमंत्री खुद मान रहे केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं और 9% बेरोजगारी है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, हकीकत में बेरोजगारी तो हरियाणा के अंदर 30-35% है ही। कहते भी हाँ भाई चले आगे भी समय नहीं है सुखबीर और जी आपका भी अंतिम कमेंट हम जाके गांव में जाके चलिए थोड़ा संक्षिप्त में क्योंकि टाइम में भी है नहीं। तवर साहब बोले स्थिति क्या है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं राजेंद्र यादव जी उन्होंने रोजगार पे श्वेत पत्र की मांग करी, मैं राजेंद्र यादव जी की बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं और ये मांग करता हूं कि हरियाणा सरकार आगामी जो सत्र आए उसमें
रोजगार पे श्वेत पत्र जारी करे। इसके अलावा इसमें विषय आया कि गृह मंत्री ने कबूतरबाजी पे एससीटी एसआईटी पता नहीं क्या क्या। पूछना चाहता हूँ कि एसआईटी और एससीटी जो बनी थी कोविड में, जो शराब की अंतर्राज्यीय तस्करी सरकार के संरक्षण में हुई और जो रात रात को रजिस्ट्रिया कोविड में रजिस्ट्रियों में घोटाला हुआ, उनपे जो एससीटी एसआईटी बनी थी कुछ हुआ क्या? निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए इनके जो खाने के दांत है वो हो रहे हैं, दिखाने के दांत हो रहे हैं। जी तमाम बिल्कुल। देखिए श्वेत पत्र को लेकर तो एक सीधी सी बात ही कही जाती है कि विधानसभा के पटल पर जो भी आंकड़ा रखा जाता है वो पूरी तरह से सही होता है, और नौकरियों को लेकर सीएम साहब जवाब दे चुके हैं। अगर वो गलत हो तो उसे लेकर विशेषाधिकार खनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। कोई विषय नहीं है। तो जो भी आंकड़े रखे जाए पटल पर वो पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं। जानू साहब अंतिम कमेंट आपसे, फिर बंदा पोपली जी आपके पास आ रहे। जब कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी उस वक्त हरियाणा राज्य की सारी की सारी जो सुखबीर तंवर जी, सुखबीर जी रुकिए, आप रुकिए, अभी आप सुनिए, आप सुनिए। अभी राजेंद्र जी बोलिए अंतिम कमेंट आपको। सरकार को जो है कि रोजगार की और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए जो रोजगार विभाग है उसके जरिए पोर्टल खोल देनी चाहिए। उसमें जो बेरोजगार है वो अपना जो है अपनी एप्लीकेशन भेजे और सरकार से डिमांड करें कि हमें रोजगार दिलाया जाए। तो सरकार उसको चाहे प्राइवेट सेक्टर में दिलाए चाहे अपनी सरकारी वैकेंसी में एडजस्ट करे। मुझे लगता है कि सरकार को जो है ना लोगों से सीधे युवाओं से बेरोजगार युवाओं से सीधे आवेदन लेने चाहिए। इनका रोजगार विभाग क्या करता है? रोजगार विभाग में एक रजिस्ट्रेशन का रहता है, इसकी बजाय तो पोर्टल, जब सब जगह पोर्टल आ गई है तो बेरोजगारों के लिए भी एक पोर्टल बना देनी चाहिए ताकि वो अपनी डिमांड कर सके। कोई विदेश जाना चाहता है तो उसमें विदेश का ऑप्शन भी डाल दें। और सरकार ने तो ये क्लियर किया था कि हम पासपोर्ट बना देंगे, कॉलेज स्तर पर ही पासपोर्ट बन जाएगा ताकि अगर उनको विदेश जाने का कोई इच्छुक है, कोई रोजगार विदेश में करना चाहता है तो उनको आसानी रहे। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक अच्छी नीति, एक व्यापक नीति तैयार करके इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना जी। वंदना जी देखिए एक बात तो मानेंगे कि बार बार पेपर लीक होना या बार बार जो भी परीक्षाएं ली जाती हैं, भर्तियां की जाती हैं, उनका अदालत चले जाना, तो युवाओं को तो इस बात का दंश झेलना पड़ रहा है जितनी धीमी प्रक्रिया से भर्तियां हो रही हैं। देखिए अदालत में जो नौकरियां जाती हैं उस पे जो कंट्रोल है वो सरकार का नहीं है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हों उस पर पूरा कंट्रोल सरकार का है। और आपने देखा होगा एक भी हमारी भर्ती जो है वो कैंसिल नहीं हुई, रद्द नहीं हुई। हुड्डा सरकार की तो चार पॉलिसी, चार पॉलिसी कह रहे थे वो एक पोर्टल की बात कर रहे थे। अंतिम कमेंट है सर, सुन लीजिए। बनाया गया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सुखबीर तंवर जी के खुद के तो तीन तीन जो मंत्री हैं वो जेल में हैं, वो यहाँ पर आकर इस तरह की बात ना करें। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पात्र व्यक्तियों को नौकरी मिलना बिना पैसों के, बिना किसी अप्रोच के मिलना, वो हमारी सरकार का उद्देश्य है और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और जो बाकी सरकारों के कंपैरेटिवली हमने जो है नौकरियां वो ज्यादा दी हैं। और बार बार जिस सीएमआई के आंकड़ों की बात की जाती है, ज्योति सिर्फ एक मिनट लूंगी, अगर अगस्त 2022 की बात करें तो सीएमआई के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा की जनसंख्या 2.75 करोड़, रोजगार योग्य होते 1.65 करोड़। तो अगस्त में बेरोजगारी इन्होंने बता दी 37.3%, यानी कि 61 लाख बेरोजगार। और सितंबर में इन्होंने बता दी 22.9%, यानी कि 37.7 लाख, यानी कि महीने भर में 24 लाख की जो नौकरी है वो सीएमआई ने अपने आप दे भी दी और उसके बाद अगले महीने वापस भी ले ली। तो सीएमआई के आंकड़ों को जिस तरह से ये बार बार प्रेजेंट करते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि जब सरकार बार बार कह रही है केंद्र के द्वारा दे दिए गए आंकड़े, मनोहर जी द्वारा दे दिए गए, हमने कहा कि पीपीपी के द्वारा हमने आंकड़े एकत्र किए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति करनी है। मैं सब यही कहना चाहूंगी कि इनके लिए एक ही बेरोजगार है, वो है राहुल गांधी, और उसके अलावा उसके ये सोच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हुड्डा साहब के टाइम जो कुछ हुआ था हम सबको मालूम है। चौटाला जी के समय में किस प्रकार से इंडस्ट्रीज चली गई थी, आज ये इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इतना सारा जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो अडानी अंबानी जिसको ये कोसते नजर आते थे आज वो उनको बड़े याद आ रहे हैं, वो बात अलग है कि वो क्यों याद आ रहे हैं, लेकिन अपने समय में क्या इन्वेस्टमेंट थी, किस प्रकार से चीजें हुआ करती जी, वंदना पोपली जी, इंडस्ट्री को रोका जाता था जी। बहुत शुक्रिया आपका, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा हम
रोजगार को लेकर कर रहे थे। सरकार जो दावे करती है, विरोधी दल जो आरोप लगा रहे हैं उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।